हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने CACS के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए और इस साल कुछ नए चेंजेस भी आए हैं जो आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही सबसे पहली चीज़ जो होती है, स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करना भी शुरू कर दिया। आज एक स्टूडेंट अपने कमेंट में मैंशन कर रखा था, सर मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भूल गया था। तो देखो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काउंसलिंग पूरी अटेंड कर लोगे, लेकिन जब आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन के लिए या फिर ऑनलाइन वेरीफिकेशन भी होगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें। अब देखते कि इस साल क्या मेजर चेंजेस आए हैं CACS की काउंसलिंग के अंदर, और फेज वन को भी आज हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोगों का सबसे बड़ा चेंज ये है कि आप लोगों का CUET का पोर्टल इंटीग्रेट है डायरेक्टली CACS के पोर्टल से। तो जैसे ही आप लोग अपने CACS की डिटेल डालते हो, आप लोगों की फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड हो रहा है, और आप लोगों की जो डिटेल्स है जैसे कि मदर्स नेम, फादर्स नेम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। दैट इज़ टोटली इंटीग्रेटेड टू CUET पोर्टल। अब ये चीज़ पोर्टल के बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीटेक के लिए 3 कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल लॉन्च करे हैं। 3 कोर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला कोर्स है, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE की ब्रांच। ये 3 ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए इस साल ऐड करी है, और इसके लिए जो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म है, कमेंसमेंट स्टार्ट होंगे लास्ट वीक ऑफ जून से, और इसके अंदर ₹1500 का आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और मेरिट जो बनेगी जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे बनेगी। 60% PCM के अंदर आप लोगों के पास क्लास 12th में होना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, पहले एक ही ब्रांच हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या आ रही है इस बार। सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप लोगों को जैसे ही आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के CACS के फेज वन को कंप्लीट करा, उसके बाद आपके सब्जेक्ट जो आपने मैपिंग दी है CUET के एग्जाम के अंदर, उसके बेसिस पे जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी विल शो यू द ऑल दी ऑप्शन यू हैव टू अप्लाई इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अभी तक क्या चीज़ चल रही थी स्टूडेंट के माइंड में कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स में अपना नाम मेंशन नहीं करा था, उस कोर्स में मैं डालना भूल गया था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जितने भी कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल होंगे उनका सभी का नाम आपको शो करेगा, और आप उन कोर्सेज को भी अपनी प्रेफरेंसेज में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं और क्या चीज़ आई है आप लोगों के लिए। नो चॉइस फिलिंग, ओनली रीऑर्डर प्रेफरेंसेज। तो ध्यान रखना, जब आप लोगों का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट फेज के बाद आप लोगों का सेकंड फेज स्टार्ट होगा आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ CUET। CUET का रिजल्ट आती है, आप लोगों का फेज 2 स्टार्ट हुआ। अब ये फेज 2 के अंदर आप लोगों को कॉलेजेस और प्लस कोर्स की जो है प्रेफरेंस अपनी डालनी होगी, लेकिन ये प्रेफरेंस आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस की डालनी है, क्योंकि आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। चॉइस फिलिंग क्या होती है? जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं। लेकिन जब आपका फेज 2 आ जाएगा, तो फेज 2 में आपके पास चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास रीऑर्डरिंग करने का ऑप्शन आएगा। तो इसको भी समझते हैं अगली स्लाइड के अंदर। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रेडी करी है। अब देखिए, नो चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है? जब आपका फेज 1 में आपने रजिस्ट्रेशन करा, फेज 2 में आपने अपने कॉलेज प्लस कोर्स का नाम दे दिया, अगेन आप लोगों के लिए जब नेक्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड ओवर हो गया, सेकंड राउंड में क्या होगा कि एक एग्जांपल समझो, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवें नंबर का आपका कॉलेज जो है पहले राउंड में डिक्लेयर हुआ, फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर आप इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, यू कैन ओनली रीऑर्डर दी ऑप्शन। आप 2 को 1 पे लेके जा सकते हैं, 3 को 4 पे लेके जा सकते हैं, 4 को 1 पे लेके आ सकते हैं। ये रीऑर्डरिंग आप कर सकते हैं सबसिक्वेंट राउंड के अंदर, लेकिन कोई भी ऑप्शन को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिलीट नहीं कर सकते हैं और ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, डिलीट और रीऑर्डर का ऑप्शन आपको एक और बार मिलेगा, दो जो है आप लोगों का स्टिमुलेटेड रैंक लिस्ट के बाद। अब जैसे कि फेज 2 में तो आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल देगा कि चलो भाई अपनी चॉइस फिलिंग कर लो, सब ने चॉइस फिलिंग कर दी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आएगी उस दौरान आपको एक और मौका मिलेगा कि आप अपने चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी चॉइस फिलिंग होगी आपके हिसाब से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपनी रैंक लिस्ट दे देगा कि भाई आपका रैंक हमारे हिसाब से परसेंटाइल के हिसाब से आपका नंबर इतने नंबर पर आ रहा है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि आप दोबारा से रीऑर्डर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है, लेकिन इसका मतलब यही है कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आप लोगों का इस बार होने जा रहा है 31 अगस्त के लिए, ठीक है। 31 अगस्त
को आप लोगों के दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के अंदर एडमिशन ओवर हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि भाई सीएसएस का जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो लास्ट डेट अभी तक सीएसएस के पोर्टल की नहीं आई है, अभी सिर्फ ओपनिंग आई है कि भाई आप लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो ये आप लोगों का सिर्फ फेज वन है जिसके अंदर आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन ली जा रही है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, खासतौर पर जब आप अपने अकेडमिक्स की डिटेल्स डालते हैं। अकेडमिक की डिटेल्स पे आपको बेनिफिट मिलता है टाई ब्रेकर सिस्टम के अंदर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।